रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई, मटर पनीर की बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे, और आज मैं हूँ मालवे नगर में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट, और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा, और यहाँ पे है जी दो बुजुर्ग जो कि काम कर रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? और आंटी आपका? कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88। वो तो दिया है 1990 से है, 31 दिसंबर से। 1990 से है? हाँ 31। हाँ कितनी दिक्कतें आई आपको कोरोना में? और क्या कोरोना में तो बहुत दिक्कत आई, कोरोना में तो खाना मिलना मुश्किल हो गया था। कितनी देर में मिलेगा अंकल खाना? देखो जब रोटी बना रहा हूँ। बाबा कितने सालों से ये ढाबा चला रहे हैं? 1990 से बोल रहे थे आपको। ये बताइए कोरोना में कितनी दिक्कतें आई आपको? कोरोना में बहुत दिक्कतें आई। तो ये बताइए सोशल मीडिया पे आपका ये जो वीडियो आया उसके बाद से क्या तमाम आपकी मदद की? हाँ जी, ये गौरव जी की मेहरबानी से लोग हमारे पास आ रहे हैं, आज हम उनके वजह से इस जगह पे पहुँचे हैं। कितने लोग आ जा रहे हैं बाबा आपके? हमारे पास आज तो बहुत लोग आए, फिर भी कितने लोग आ गए? हमने कोई गिनती नहीं किया। ये आप पहले ये बता रहे थे कि बिक्री भी नहीं हो पाती है? हाँ पहले बिक्री नहीं होता था, बिक्री बिल्कुल नहीं होता था, हम क्या कि पूरी मार्केट सुन रहा था। तो कब से बिक्री हो रही है? आज बिक्री हो रही है। हाँ जी, कितने लोग आ गए आपकी मदद के? ये तो हमने गिना नहीं है, मगर हमारे पास बहुत लोग आए। हम 80 के दशक पहुँच गए हैं, जैसी आप कम हो या ज्यादा हो। खाना बनाते हैं? हाँ जी, खाना हम बनाते हैं। शाम को आऊंगी। आप कब बजे आओगे? हाँ गौरव के पास है, गौरव जी का उनके पास है। हाँ है, उस गौरव के पास है, दे रहा हूँ। हाँ जी, आपकी पत्नी भी आपके साथ ही खाना बनाती है? पत्नी हमारी तो शुरू से हमारा साथ ही दे रही है। तो कितने कैसा महसूस हो रहा है अचानक से आपकी दुकान में कुछ भी नहीं बिक्री हो रहा था, अचानक से लोग आपकी मदद के लिए आ गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? असम बहुत महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, सब लोग बड़े हैं, हर कोई हमारी मदद कर रहा है। तो आपको क्या उम्मीद है? आज तो सारे लोग आ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आपके यहाँ सारे लोग आएंगे इस तरीके से आपकी मदद के लिए? तो आएं, जरूर आएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके ढाबे में आए खाना खाएं, क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे पास लोग आए खाना खाएं। कौन सा स्पेशल खाना बाबा क्या है? मटर पनीर? हाँ जी मटर पनीर है। क्या क्या बनाते हैं आप? चावल दाल सब्जी, हमारी आलू टमाटर, कभी आलू बैगन, कभी आलू गोभी, हमारे सभी बदल जाता है। नाम बताइएगा अपना? नाम है बदामी देवी। ये बताइए कितने सालों से है आपका ये ढाबा? 90 से। क्या दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को? बिक्री कुछ होती नहीं रहा, जो कमाई होती रहा 2-4 पैसा बिक्री होती रहा, अब तो बिल्कुल लेने होती है, 2 दिन से ये तनी होती है कमाई, नहीं तो कोई भी नहीं ग्राहक है, और खाना बच जा सारी घर ले जाएंगे, घर पर सब वही खाना खाएं। 2-3 दिन तो पुआस करे ना रहे, राशन पता है कुछ रहा पैसा नहीं कि हमें ले आए, तब 30-40 रुपया किलो आटा रहा, तब नहीं लिया पाई, तो वही में एक रोटी खा खा के बचे रहे सो में, तब से कुछ कमाई नहीं, बच्चे देते नहीं कमाई कुछ अपनी, अब एक बच्चे काम छूट गया, एक करता है तो वो भी नहीं देता है, बेटी मेरे पास रहती है वो भी नहीं करती कुछ, कोठी में करती है तब 2-4 पैसा तो वही ले आती है, नतनी है तो उसको पढ़ाते हैं, 12 साल की है वह, उसको पढ़ाते हैं, अब ऐसा है तो पढ़ाई नहीं होती है तो घर ही पर पढ़ती है, कागज जाती ले आती है उसकी माँ तो ले आके देती है, तो वही काम करती है मोबाइल में देख देख के, तो वही लिखती है। आपका बेटा आपकी मदद नहीं करता है? कोई नहीं, बेटा नहीं करते मदद,
तो आप क्या परिवार के साथ रहते हैं? हाँ सब यकीन में। काम नहीं करता है? नहीं। ये बताइए अम्मा कि आप लोगों की जो खबर है हर तरफ गई है, अब जो है आपकी दुकान में आज बहुत ज्यादा भीड़ देखने को। हाँ आज सुबह से, आज सुबह से है। कितने लोग आ गए हैं? मतलब बहुत आए हैं, चाय पी के गए, खाना लेके गए हैं, सब आते हैं। खाना जो था वो खत्म हो गया आज आपका? हाँ खत्म हो गया, चावल दाल राजमा लोग खत्म हो गए, तो मटर पनीर अभी है, रोटी बन रही है, परोठा बनाने के रहा बची, तो अभी बन ना पाया, गैस खत्म हो गए थे, घर से मंगवाया गैस। जब तो ये बताइए मतलब आज की अगर बात करें कितने मतलब कितना वो हो गया है, आप लोग कौन कौन से लोग आ गए, कितने लोग मतलब? सब लोग आए हैं, सब गौरव जी आए हैं, गौरव जी बहुत हमारे पहले मदद परसों से कर रहे हैं, कल से परसों से ने बहुत मदद कर रहे हैं गौरव जी। अम्मा आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आपका जो है ये ढाबा में ऐसे ही लोग आएंगे? हम कहानी वैसे ही आएंगे, तब उम्मीद नहीं रहे, अपनी किस्मत जब कह जाती है ना, तब कोई भी नहीं आता, जब कह जाती है थे। अम्मा कैसे लग रहा है, एकदम लोग नहीं आ रहे तो अचानक से लोग आपके ढाबे में आ? हाँ अचानक से आया, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हमें इतनी खुशी है कि भगवान हमें इतनी परिवार दे दिए हैं। कितने साल की है अम्मा आप? 80। 80 साल की? आप और बाबा मिलके ये ढाबा चलाते? हाँ बाबा 80 है, वो 2-4 महीना फालतू होंगे, 80 से 80 साल हमारा हो गया। मेरा नाम गौरव आसन है जी। गौरव कैसे आपको पता चला बाबा का ढाबा के बारे में और किस तरीके से ये खबर जो है पूरी दुनिया में छा गई है सारा? देखिए जी खाना जो है वो मेरा पेशा है, मेरे को फूड से जितना प्यार है उतना शायद किसी और चीज़ से नहीं है, तो मैं ऐसे ही स्ट्रीट फूड वेंडर्स ढूंढता रहता हूँ जिनको हमारी ज़रूरत है खाने, जो इतना अच्छा खाना बेचते हैं, आप इनका मटर पनीर देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, तो ऐसे लोगों की मैं हेल्प करने के लिए निकलता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। तो ऐसे ये कहानी है जी इनकी, आज से 2 दिन पहले मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने देखा कि 2 बुजुर्ग लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद इतना अच्छा खाना बनाने के बाद ये खाना नहीं बेच पा रहे, तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला जी 6:30 बजे आते हैं मैं और आपकी आंटी लग जाते हैं और प्याज छीलना, प्याज चॉप करना, कटिंग करना हर चीज़ हम करते हैं, सब्जी खुद बनाते हैं, रोटी खुद सेकते हैं, और उस समय बज रहे थे 1:30 घड़ी में। मैंने बोला कितनी कमाई हुई, बोले 70 रुपये कमाई हुई है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए वो सुन के कि इतने बुजुर्ग लोग सुबह 6:30 बजे से लगते हैं, खुद सारा काम करते हैं और अपनी लागत भी नहीं निकाल पाए 1:30 बजे तक। तो मैंने बोला दिन भर में कितने कर लेते हैं, बोला जी 300-400 रुपये कमा लेता हूँ लेकिन मेरी लागत ही 500-600 रुपये की। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और इनकी वीडियो बनाई और मैंने बोला अंकल जितना मैं और मेरे फॉलोअर्स आपकी मदद कर पाएंगे हम करेंगे, और सच बता रहा हूँ इतना प्यार आया आप लोगों का कि मैं जितना शुक्राना करूँ ना वो उतना कम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं सच्चे दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ये भी बोलना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली इनकी हेल्प बहुत हो चुकी है, हम लोगों ने अभी तक 1.5 से 2 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया है, हम इनको ज़्यादा और फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहते, हम इनका घर रेनोवेट कराने में हेल्प करेंगे, इनकी दुकान रेनोवेट हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आपको इनकी असल मदद करनी है तो इनके हाथ का आके खाना खाइए, चाय पीजिए, परांठे खाइए, मटर पनीर खाइए ज़रूर खाना, और आना ज़रूर, आपको खुशी मिलेगी इनको मेहनत करते देख, और मेरी दिल से यही दुआ है कि इनके जैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं हम और आप मिलकर अगर एक छोटी सी पहल करें ना तो आज भी इंसानियत जीवित है। गौरव 2 दिन पहले जैसे कि आपने बताया आप आए और आपने देखा ये सारे तमाम चीज़ें, उसके बाद आपने ये जो वीडियो है वो आपने वायरल किया, 2 दिन पहले का माहौल और आज से क्या फर्क है? देखिए आज का माहौल तो आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं कि देश और दुनिया से मुझे फोन भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं मदद करने के लिए, हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं कि मदद कर पाए, हमें नहीं चाहिए आपके 5,000-5 लाख रुपए, हमें सिर्फ 50 रुपए चाहिए जो कि इनकी लागत है मटर पनीर और रोटी की, आप खाओ और वो 50 रुपए जब आप दोगे ना जो आपको वो खुशी होगी ना मैं